हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने का पहला जो हफ्ता है वो कैसा गुजरने वाला है आपके लिए, यानी 1 से 7 तारीख कैसा रहने वाला है आपका, देख लेते हैं। एंड यहाँ पर कौन कौन से गाइडेंस रहेंगे, कौन कौन से ब्लेसिंग्स रहेंगे, हम ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। बॉटम द डेक में क्या आया है, द डेविल एक मेजर अर्काना है। एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर दोनों मेजर अर्काना एक साथ आ गए हैं, एक तो हाई प्रिस्टेस है, एक तो डेविल है। तो देखो यहाँ पर जो दिख रही है मुझे कि आप शायद बहुत ज़्यादा तरीके से किसी एक चीज़ के ऊपर ना ओवर फोकस्ड हो रहे हो। वो कुछ लोगों के लिए दिख रही है लव लाइफ के साइड से, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर। यानी आप अपने काम को, यानी 50% लोग अपने काम को लेकर बेहद ज़्यादा तरीके से पागल हो चुके हैं। यानी आपको किसी भी तरीके से अपने उस काम को फुलफ़िल करना है, सक्सेस चाहिए कि उस टारगेट को आपको फुलफ़िल करना है, इसके लिए आपको जितना भी मेहनत करना पड़े आप कर रहे हो, दिख रही है। एंड 50% लोग अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, किसी एक पर्सन को लेकर दिन रात सोचते हुए दिख रहे हैं। सो आपका जो ये ओवर फोकस्ड है तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ख़राब कर रही है, आपके लाइफ को बैलेंस में नहीं रख रही है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी यही शो कर रही है, क्योंकि आप अगर ऐसे सिचुएशंस में बहुत टाइम से रहोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे से ख़राब होता जाएगा। आप इस बात को समझ भी नहीं पाओगे। आपको खुद को जल्द से जल्द बैलेंस सिचुएशन में लाना होगा, यानी आपके अंदर जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है उसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पर किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर फोकस्ड नहीं हो देन इट्स ओके। एंड कुछ लोग दिख रही हैं मुझे, देखो इन दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा भी दिख रही है मुझे, एक वाइब्स आया कि कुछ लोग अपने फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। हमेशा विदाउट एनी रीज़न फ़ोन को स्क्रोल करते रहते हैं, या फिर आप कह लो हमेशा फ़ोन में ही रहते हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी को मैसेज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, दिख रही हैं, या फिर गेम खेल रहे हैं। फ़ोन के बाहर आप जब भी आने की कोशिश करते हो तभी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती हैं। आपका जो रियल लाइफ है उसको आप जीना भूल गए हो, किसी एक चीज़ के ऊपर आप ओवर फोकस्ड हो रहे हो, साफ दिख रही है। यही चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। यानी वर्चुअली चीज़ों को आप बेहतर रखने की कोशिश कर रहे हो बट रियलिटी में चीज़ें बिगड़ रही हैं। देखो ये जो हफ्ता है ये स्टार्ट ही हो रहा है एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ जो कि है हाई प्रेस्टस कार्ड। ओके, देखो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप लोगों को लग्जरीनेस बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है आपको ठाट बाट में रहना, या फिर एक राजकीय जो वाइब्स होता है ना ये आपको बहुत पसंद है, दिख रही हैं। बट इस टाइम पर ना आप थोड़ा सा खुद को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी आप लोगों से थोड़ा सा खुद को डिटच करते हुए दिख रहे हो, खुद को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर एक सेल्फ मॉडिफिकेशन, सेल्फ क्रिएशन के पीछे भागते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उस चीज़ को इस टाइम पर आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिख रही है कुछ सीक्रेट्स भी इस टाइम पर आपके पास होगा जिसको आप हाइड करना चाहोगे, जिसको आप गार्ड करना चाहोगे। आप चाहोगे कि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। वो आपकी बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, दिख रही है मुझे। एंड खुद को स्पिरिचुअली अवोकन करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हो कि अगर आप इस टाइम पर ऐसा करोगे तो फ्यूचर में जाकर क्या रिजल्ट आएगा, या फिर अगर इस टाइम पर आपका ये डिसीजन हुआ तो फ्यूचर से क्या रिटर्न आएगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो आप। एंड ये जो कोशिश होगा आपका ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि हाई प्रेस्टस का कार्ड है, मेजर अर्काना है। देखो मिड वीक आते आते ना चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा, क्योंकि आपके कुछ गलतियों को इस टाइम पर आप समझते हुए दिख रहे हो, कुछ गिल्ट फीलिंग्स आपके अंदर दिख रही है मुझे। एंड इसके वजह से आप एकदम से भगवान के सामने कन्फेस करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी इंसान से माफ़ी भी इस टाइम पर आप मांग सकते हो आपके पहले के बिहेवियर की वजह से। कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि आपके अंदर कुछ गिल्ट फीलिंग्स इस टाइम पर काम करेगा, जिसके वजह से ही इस टाइम पर आपके रातों की नींद भी खराब हो सकते हैं।
आपके कुछ चीज़ों में ईगो प्रॉब्लम की वजह से किसी इंसान के साथ शायद आपका रिश्ता खराब हो गया था, या फिर इस टाइम पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड इसमें कोई एक फीमेल फिगर आपके साथ देने वाले हैं, वो आपके माता जी हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, या फिर आपके, अगर आप मेल पर्सन हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ भी हो सकते हैं। कोई एक इंसान दिख रही हैं, आपके ग्रैंड माँ भी हो सकते हैं। कोई एक फीमेल पर्सन आपके बहुत सपोर्ट में दिख रहे हैं, साथ देते हुए दिख रहे हैं ऐसे सिचुएशंस में। एंड देखो, एंड ऑफ दिस वीक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही हैं, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आपके मन में खुशियाँ दिख रही हैं, पीस दिख रही हैं, एक आनंद सा आपके अंदर दिख रही है मुझे, क्योंकि आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है। इस टाइम पर आप अपने पास्ट को बिल्कुल भी दोहराने नहीं वाले हो, एंड अपने पास्ट से आपने जो भी सीखा है उसको काम में लगा कर आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल महसूस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस टाइम से आपके कुछ काम धीरे धीरे से बनता हुआ आपको दिखेगा। आपका दिल बुरा नहीं है, या फिर आप पर्सन बुरे नहीं हो। कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं आपके सराउंडिंग्स में, जहाँ पर आपके जो ठाट बाट है, या फिर जहाँ पर आपके जो पर्सनालिटी है उसको शो करना पड़ जाता है, एंड वहाँ पर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ओवर हो जाता है। यही चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप देख सकते हो ये जो रैबिट है, ये कहीं ना कहीं आपके मासूमियत को दर्शा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो। आप आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हो, ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हो जो लोग शायद ही आपके लिए बुरे हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, या फिर आपके लिए बुरा सोचते हैं। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप किसी को कुछ प्रपोजल देते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ छोटा मोटा गिफ्ट्स भी कर सकते हो, या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है। आपको कुछ चीज़ें इस टाइम पर मिल सकता है जो आपको सुकून दे, यानी कुछ मेल मैसेज आपको ऐसे मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, या फिर कुछ गिफ्ट्स भी आपको इस टाइम पर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड अगर आप इस टाइम पर किसी से माफ़ी मांगने जाओगे, तो ये माफ़ी भी इस टाइम पर इस हफ्ते में ही आपको मिलती हुई दिख रही है। नाराज़गी सभी इंसान के साथ कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है। रिलेशन सभी के साथ अच्छी होती हुई दिख रही है। आपके फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे। चीज़ें आप ही सही करने वाले हो, एंड डिवाइन आपके पीछे से हेल्प करने वाले हैं, और कुछ नहीं। सो यहाँ पर एक कार्ड्स ऑलरेडी आ गया है। सो यहाँ पर है द चैरियट। ब्यूटिफुल एनर्जी है, ब्यूटिफुल एनर्जी। इस टाइम पर आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस हफ्ते के लिए यही गाइडेंस है आपके लिए। आपके जो 5 सेंस है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तरीके से दिमाग से सोच रहे हो, तो उसमें आपका मन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तरीके से किसी चीज़ के ऊपर ओवर फोकस्ड हो रहे हो, तो ऐसे में आपको चीज़ों को बैलेंस में रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तरीके से हर्ड हो रहे थे, तो आपको सॉफ्ट बनना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तरीके से मिर्ची खा रहे थे, तो आपको स्वीट्स खाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए ही कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सेलू हो, गुस्सा करते हो, तो अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर दो, कंट्रोल में लाओ। तो चीज़ें आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। आपके हर एक काम आपको सक्सेस की तरफ जाने का इंडिकेशन ही देगा, अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाते हो, बैलेंस में लाते हो। फाइन, आपका विल पावर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है मुझे दिख रही है, बट आप लोगों के बहकावे में आ जाते हो, डेविल कार्ड बता रहा है। तो ऐसे में आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ के हर एक चीज़ आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल आपका रीडिंग यही है। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।